अरे मोदी जी, आज तो आपने हद कर दी। कम से कम 1 घंटे से हम आपका बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी देर आपने कहाँ पर लगा दी, ये तो बताओ। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने की जगह तक नहीं बची। हम सब लोग कब से बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी से पुराने जमाने के किस्से और कहानी सुनेंगे। अरे राहुल, रुक जाओ, क्या बोलते ही जाओगे, कम से कम मेरी भी तो सुन लो। देख रहे हो गर्मी कितनी बिकट पड़ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए दही का शरबत बनाकर पीकर आया हूँ। इसीलिए देर हो गई। अब मेरे लिए बैठने की जगह तो बताओ, कहाँ बैठूं मैं। सारे लोग तो पीपल की घनी छांव के नीचे बैठ गए, अब कोई छांव भी नहीं बची। ये बताओ मोदी जी, जब इतनी देर बाद घर से निकल के आओगे दही वाला शरबत पीकर, तो यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठने की जगह कहाँ पर बचेगी। हमारे और बाबा रामदेव जी के बैठने तक की जगह नहीं है, हम दोनों लोग खड़े पड़े हैं। लेकिन ये बताओ, जब तक मैं बैठूंगा नहीं तब तक कहानी कैसे सुनाऊंगा तुम्हें। कहानियां तो मैं ही सुनाता हूँ तुम्हें। ऐसा करो मोदी जी, जहाँ पर मैं और लालू जी खड़े हुए यहीं पर आकर खड़े हो जाओ। बैठने की तो जगह है नहीं, आज खड़े ही खड़े कहानी सुना दो। हम तो आपकी कहानी का कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे खड़े खड़े मुझसे कहानी नहीं सुनाई जाती बाबा रामदेव जी। अरे योगी जी, आप ही हट जाओ, आपको बैठे बैठे काफी देर हो गई, आपकी जगह पर मैं बैठ जाऊं। देखो मोदी जी, साफ साफ कह देता हूँ, कहानी चाहे सुनाओ चाहे मैं सुनाओ, इस गर्मी के मौसम में जब तक अपने गांव के इस पीपल के पेड़ के नीचे ना बैठो तब तक मजा नहीं आता है, गर्मी नहीं भागती है। अरे मोदी जी, अकेले ही अकेले दही वाला शरबत भी आए, हमारे भी लिए 1 गिलास ले आते, मजा आ जाता पीकर। ये बताओ अमित शाह जी, तुम यहाँ पर अकेले बैठे हो, जो शरबत तुम्हारे लिए ले आता, कम से कम 20 लीटर शरबत लाना पड़ता तो सब लोगों के लिए हो पाता। मोदी जी ये बताओ, गेहूं का क्या रेट चल रहा है। सोच रहा हूँ गेहूं जाकर मंडी में बेचाऊं। शहर के मंडी का भाव आपको पता होगा। नीतीश कुमार जी, अभी कुछ दिन पहले तो 2100 रुपए क्विंटल था, आज का रेट मुझे पता नहीं है। वैसे गेहूं का भाव अच्छा है, बेच दो गेहूं को अपने। मोदी जी आपके कहने से इस बार मैंने भिंडी की फसल लगा ली, लेकिन भिंडी की जरा सी भी अच्छी पैदावार नहीं हुई, घाटा लग गया भिंडी में। केजरीवाल जी, दोष मोदी जी को दे रहे हो, गलती तुम्हारी खुद की है। एक बार भी जाकर भिंडी के खेत पर देखते नहीं थे तुमने, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से भिंडी की खेती की फसल नहीं की। बिल्कुल उपैसी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। इन केजरीवाल जी ने भिंडी की फसल अपने खेत में लगाने के बाद 1 दिन भी जाकर खेत को नहीं देखा, इसीलिए फसल अच्छी नहीं हुई। चलो वो बात तो छोड़ो अखिलेश, अपने इस गांव में इस पीपल के पेड़ के नीचे सब लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं तो बहुत मजा आता है। वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, मैं तुमसे कह रहा था कि शहर में मत चलो, अब देखो चारों तरफ मोटर गाड़ी दिख रही है। अपना लोग छोटे छोटे घोड़ों पर बैठकर आए हो। अरे इन मोटर गाड़ियों को देखकर अपने घोड़े ना आगे बढ़ रहे ना पीछे बढ़ रहे, चारों तरफ मोटर गाड़ियों से घिर गए अपना लोग, क्या करे समझ में नहीं आता है। अरे मोदी जी, मैं आपको शहर में इसलिए लाया हूँ, अपना लोग यहाँ शहर से सामान खरीदेंगे सस्ता, और गांव में महंगा सामान बेचेंगे। अपना लोग सारा का सारा सामान खरीद कर इन घोड़ों पर लाद कर ले जाएंगे और गांव में महंगा बेचकर सामान को अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। चलो राहुल, वो तो कोई बात नहीं है, प्रॉफिट का काम है, अच्छा फायदे का काम है, मुनाफे का काम है, लेकिन इस शहर में इतनी मोटर गाड़ी देखकर मेरा घोड़ा तो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और राहुल, ये क्या एक दरोगा साहब चले आ रहे हैं अपनी तरफ। रुको, सब लोग यहीं पे रुक जाओ, अपने खच्चर पर बैठे हुए सब लोग कैसे चले आ रहे हो। तुम सब लोग जाम लगा दी तुम सब लोगों ने, देख रहे हो सारी की सारी कारें मोटरसाइकिल वगैरह रुक गई। पहली बात तो दरोगा साहब, ये खच्चर नहीं है, ये घोड़े हैं छोटी नस्ल के। और दूसरी बात ये बताओ, यही रास्ता है शहर में अंदर जाने के लिए, तो हम क्या करें, इस रास्ते से नहीं जाएंगे तो कौन से रास्ते से जाएंगे। अरे भाई साहब, एक बात बताओ, तुम इन घोड़ा पर बैठे हुए हो, अब ये घोड़े तो तुम्हारे हल्के हल्के चल रहे हैं, पीछे से मोटर गाड़ी तेजी से दौड़ रही है रोड पर। जब तुम हल्के चलोगे और मोटर गाड़ी पीछे से आएंगी तो जाम तो लग ही जाएगा, अब ये जाम लग चुका है। तुम लोगों के चलने के लिए फुटपाथ है, उस पर चलो रोड के बराबर में फुटपाथ पर। अरे भाई, अपने खच्चर को तेजी से आगे बढ़ाओ, मैं कितनी देर से जाम में फंसा पड़ा हूँ, मुझे बैंक जाना है, बैंक से पैसे निकालने के लिए जा रहा हूँ। अरे मैं क्या करूँ, बैंक जाना है आपको, पहली बात तो ये सुनो, ये खच्चर नहीं घोड़ा है, छोटा सा घोड़ा। अगर आपको बैंक जाना है तो हम भी तो शहर में सामान खरीदने के लिए आए, हम भी चलेंगे तो इसी रोड पर, कोई दूसरे रोड पर थोड़ी चलेंगे। अरे भाई, रोड पर चलने के लिए मना नहीं है, रोड के बराबर में फुटपाथ है, उस पे चलो तो ये जाम नहीं लगेगी, नहीं तो तुम्हारा चालान कट जाएगा घोड़ों का। अरे भाई साहब, थोड़ा बहुत तो गांव के स्कूल में हम भी पढ़े हुए हैं, चालान तो मोटर गाड़ी इन मोटरसाइकिलों का कटता है, हमारे घोड़ों का चालान किस बात का काटोगे ये बताओ। अरे भाई, जब जाम लगाओगे आप लोग तो चालान तो काटना ही पड़ेगा, इन घोड़ों को फुटपाथ रास्ते पर ले जाओ। अरे दरोगा साहब सही तो कह रहे हैं, अपना लोग तो शहर में आ ही चुके, साइड से चला लो, ये मोटर गाड़ी आगे निकल जाए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
राहुल कैसे हल्की हल्की चल रहे हो, तेजी से चलो, तेजी से, अरे तेजी से चलो। सोनिया जी, मायावती बहन जी, आप भी तेजी से चलो, हल्के हल्के चल रहे हो तुम। इस तरीके से तो पूरे दिन में भी खेत की जुताई नहीं हो पाएगी। अरे मोदी जी एक बात बताओ, अभी जब आप इसे हल्को खींच रहे थे और मैं पीछे चल रहा था तो आप तो इतनी तेजी से हल्को नहीं खींच रहे थे, और अब मैं जब आगे आके हल्को खींचने लगा तो तुम ये कह रहे हो कि तेजी से खींचो हल्को, तेजी से खींचो। अरे मोदी जी मैं तो आपसे पार्टनरशिप में खेती करके फंस गया। आप मेहनत भी ज्यादा नहीं करती हो। राहुल अगर इस खेती बाड़ी में मेरा पैसा नहीं लग गया होता, बीज में खरीद कर नहीं ले आया होता, तो मैं अभी तुमसे पार्टनरशिप अलग कर लेता। अरे ये तो तुम्हें मालूम ही है कि अपना लोग पार्टनरशिप में खेती कर रहे हैं। कभी हल को मैं चलाता हूँ, कभी तुम चलाती हो, कभी सोनिया जी हल को चलाती हैं, कभी मायावती बहन जी चलाती हैं। सबका टाइम बटा हुआ है एक एक घंटे का, तो इसमें कम ज्यादा मेहनत का क्या सवाल है। अरे मेरे बेटे ऐसे मत चीखा कर, राहुल तू ऐसे मत चीखा कर। पार्टनरशिप में थोड़ी सी बर्दाश्त करना पड़ती है। जब अपना लोगों ने पार्टनरशिप में मोदी जी से खेती बाड़ी शुरू कर दी है तो पूरी फसल हो जाने दे, उसके बाद चाहे पार्टनरशिप अलग कर लेना, ये फसल तो पूरी हो जाए, आलू की खेती। अरे योगी जी आ गए, योगी जी क्या बात है। अरे रुक जाओ मोदी जी, रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। अरे मैंने सुना है आप चारों लोग पार्टनरशिप में आलू की खेती कर रहे हैं, मुझे भी इस पार्टनरशिप में लगा लो, 5 लोग हो जाएंगे अपना लोग। अरे भाई योगी जी आधा काम तो हम कर चुके, आधी खेत की जुताई कर चुके, 1 बीघा खेत में हमने आलू लगा भी दिया, अब बीच में आगे तुम कह रहे हो कि इस खेती की पार्टनरशिप में शामिल कर लो। तुम तो पकी पकाई खिचड़ी खाना चाहती हूँ। अरे मोदी जी ये खिचड़ी बीच में कहाँ ले आए, आलू की खेती की बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप में करने की। अरे योगी जी आप भी समझते नहीं हो, मोदी जी कहावत कह रहे हैं कि आधा काम हम लोग कर चुके, अब तुम बीच में आकर पार्टनरशिप में शामिल होना चाहते हो तो कैसे हो जाओगे, आधी से ज्यादा मेहनत तो हमने कर ली। सुन लिया योगी जी तुमने जवाब, तुम्हें कोई भी अब पार्टनरशिप में नहीं लगाएगा। अगर हाँ तुम्हें पार्टनरशिप में खेती बाड़ी करना ही थी तो शुरू में ही हमारे साथ शामिल हो जाते, तो 4 की जगह 5 लोग हो जाते खेती बाड़ी में, सब पर मेहनत भी कम कम पड़ती। अब योगी जी आप अपने घर जाओ, हमें बातों में मत लगाओ, हमें पूरा दिन में ये 3 बीघा खेत की जुताई करना है, कल को इस खेत में आलू की बुवाई करना है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।